टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बीते कई महीनों से परेशान आम लोगों के लिए खुशखबरी है। रूस और यूक्रेन के चलते जो कॉमोडिटी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी वो अब नरम पड़ती नजर आ रही है। कीमतों में गिरावट का आलम यह है कि अब कई कॉमोडिटी की कीमतें जो युद्ध शुरू होने के पूर्व थी उस लेवल तक आ चुकी है। खास तौर से गेहूं, कॉर्न, चीनी, कपास के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। कीमतों में गिरावट पर नजर डाले तो गेहूं के दाम में 26.4% की कमी आई है, तो कॉर्न यानी मक्के की कीमतें 14.5% घटी हैं। चीनी 9.4% सस्ता हुआ है, तो मांग में कमी के चलते कपास की कीमतें 3 महीने के निचले स्तर तक जा लुढ़का है। वहीं युद्ध के शुरू होने के बाद से खाने के तेल में उछाल देखा जा रहा था, लेकिन सरकार के दखल के बाद और कंपनियों द्वारा कीमतें घटने के चलते खाने के तेल के दामों में भी गिरावट देखी जा रही है। खाने की चीज़ें ही नहीं बल्कि अब स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसी कमोडिटी के दामों में भी अब नरमी देखी जा रही है, जिसका असर मेटल सेक्टर के शेयर में भी देखने को मिला, जिससे हाल के दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कमोडिटी के दामों में गिरावट का फायदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। कच्चे तेल के दामों में भी गिरावट आई है और संभावना जताई जा रही है कि इसमें और गिरावट आ सकती है। ऐसे में कमोडिटी मेटल्स और कच्चे तेल के दामों में कमी से महंगाई घटती है तो इससे बड़ी राहत मिल सकती है। RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव कम होगा, इससे महंगी EMI से आम लोगों को राहत मिल सकती है। बहरहाल खुदरा महंगाई दर अभी भी 7.04% है, जो RBI के टॉलरेंस बैंड 2 से 6% से ज़्यादा है। हालांकि RBI ने 2022-23 में महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।